अभी मेरे साथ में झारखंड के जाने माने नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। दरअसल ये खास कार्यक्रम हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप अपना पक्ष रखें। अभी हाल फिलहाल में आदिवासी अलग धर्म को लेकर बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं, उस पर ज़बरदस्त चर्चा है। झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में इस पर चर्चा शुरू हुई है, आदिवासी समाज में अलग धर्म कोड को लेकर। और इसमें कई नेताओं की भूमिका कई तरह से सवालों के घेरे में है, कई के बयान पर प्रतिक्रिया आ रही है। और हालिया जो घटना हुई है उसमें बाबूलाल मरांडी जी का एक बयान, जिसको लेकर एक राष्ट्रीय सिंगल अभियान करके एक प्लेटफॉर्म है, उन लोगों ने एक आंदोलन जैसा रुख अख्तियार किया है। उसमें बाबूलाल जी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बाबूलाल जी ने जो कहा उस पर उन्हें आपत्ति है। तो आज हमारे साथ में स्वयं बाबूलाल जी हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सीधे बात पर आते हैं हम कि आपके किसी बयान को लेकर सिंगल अभियान जिसके नेता हैं सालखन मुर्मू जी, उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज हिंदू है, आपने कहा धर्म की, ऐसा कुछ बयान आपने दिया था। देखिए, पहली बात तो आप सबको ध्यान में है कि धर्म को लेकर के आंदोलन नहीं आज से नहीं वर्षों से चलते आ रहा है, और यही नहीं बल्कि देश भर में। आज भी अगर भारत सरकार के जो महारजिस्ट्रार है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है धर्म को लेकर के बाकी को लेकर के, तो कुल मिलाकर के सैकड़ों ऐसे लोगों ने आवेदन दे रखा है कि भाई हमारी ये धर्म की मान्यता हमको दे मिलनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ अनेक प्रकार की पूजा पद्धति या अनेक इष्ट देव है। इसलिए अपने यहाँ तो कहा गया है कि हिंदू समाज में कि भाई 36 कोटि देवी देवता है जिनके लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने जो बोला था, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने ये दिया कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, हेमंत सोरेन का बयान। तो उसके बाद प्रेस ने हमसे पूछा कि आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, पहली बात तो मुख्यमंत्री शायद चूंकि एक झारखंड में वो राजनीति करते हैं और उनका कार्य क्षेत्र भी सीमित दायरे में है, शायद वो पूरे देश को वो नहीं जानते होंगे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिसे आज हम आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, तो पूरे देश में आबादी 10 करोड़ से कहीं अधिक है, जातियों की जो कुल संख्या है वो लगभग 700 करीब है, और सभी जातियों की अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग पूजा पद्धति है। और हमने कहा कि आज भी जो अनुसूचित जनजाति में जिसे रूढ़ है आदिवासी के रूप में, तो आदिवासियों के अंदर में तो अधिकांश लोग आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो ये कोई अपने आप को ये दावा करे ये हिंदू नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हम सबके बारे में कैसे हम कह सकते हैं? और जैसे आज मैं आपको कहूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ गुजर बकरवाल है, वो भाई फेत जिसको बोलते हैं कि वो मुस्लिम है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची में, ट्राइबल की सूची में है। हिमाचल प्रदेश आप चले जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर क्षत्रिय है, राजपूत है, लाहौल स्पीति वगैरह में, तो वो अनुसूचित जनजाति की सूची में है। झारखंड में भी 32 टाइप के ट्राइब्स है, और यहाँ भी कई एक सारे ट्राइब्स है, उसके कई एक ग्रुप्स है, तो अपने को हिंदू ही मानते हैं जी। तो हमने कहा कि इस प्रकार की कोई कहे तो ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो इससे ये लग रहा है कि आपने हेमंत सोरेन के बयान पर आपने प्रतिक्रिया दी। हाँ, नहीं नहीं, हमसे हेमंत सोरेन के बयान पर ही हमसे प्रेस ने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस पर आपने कहा कि ये हिंदू है, हिंदू है, उसमें कहाँ दिक्कत है। हमने कहा कि खुद भी मैं अपने आप को हिंदू ही लिखता हूँ, और चूंकि हिंदू एक ऐसी व्यवस्था है,
कोई किसी एक देवी देवता, एक कोई क्या कहते हैं ग्रंथ या कोई एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, यहाँ विविधताओं से भरा हुआ है। अब उसमें से कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि नहीं हम तो नहीं, क्या बोलते हैं प्रकृति की पूजा करते हैं। हमने कहा कि हिंदू ही तो प्रकृति की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षी की पूजा करते हैं, और यहाँ तक कि पत्थर की भी पूजा करते हैं महादेव के रूप में या बाकी शिव के रूप में। तो प्रकृति की पूजा तो सर्वत्र ही आपको दिखाई पड़ेगा और निजमा जी करता है। उन्होंने कहा कि भाई इससे लिए बिना कुछ कुछ जाने और फिर लोगों को देख भ्रमित करना, ये बिल्कुल गलत है। गलत है, ऐसा आपका सोचना है। लेकिन आप ये सवाल तो उठेगा कि साहब फिर अलग से आदिवासी धर्म कोड की मांग क्यों? भाई आप, क्योंकि आपको इसको जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप भी उस विधानसभा में मौजूद हैं जहां से इस धर्म कोड के को लेकर एक विधेयक पास करके भेजा गया है सेंटर। नहीं, विधायक उसको नहीं कह सकते, नहीं कह सकते विधायक, प्रस्ताव नहीं, मेरा ही कहना है हम उसके कहाँ विरोधी हैं। हम कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी मांग करता है कि भाई हमको इस जाति सूची में शामिल करिए, धर्म धर्म कोड वही मैं कह रहा हूँ कि हमको अलग से ये कोड दीजिए, तो कोई अगर मांग करता है कोई समूह तो हम उसके क्यों विरोध करेंगे? हमको विरोध करने को ये नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भाई जिनको जो करना है, जैसे भारत सरकार है या महारजिस्ट्रार या क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल है जो जनरल केंद्र में, तो वो इन सारी चीजों को देखता है। तो यहाँ से जो भी आप संकल्प पारित करके भेजेंगे तो उनका काम है देखना, हम उसको क्यों विरोध करेंगे? अगर आप अपने आप को सरना लिखते हैं या कोई भी लिखना चाहे तो क्या दिक्कत है उसमें? और उसके लिए कोई डिमांड करता है तो हम किसी की डिमांड का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर आप पूरे देश के जो इतनी बड़ी आबादी है सबको आप कहेंगे कि नहीं आपको यही मानना है तो ये नहीं मानेगा। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, और रही बात विधानसभा में, तो हमने कहा कि हम तो उसके विरोधी भी नहीं है कि आपको, चूंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ तो क्या कहते हैं जितनी जाति है उतनी प्रकार की आपको रिचुअल मिलेंगे, उतनी अलग अलग सबकी आपको कुल देवी देवता मिलेंगे, लोग मनाते हैं, तो कहाँ कोई विरोध करते हैं? क्यों हम विरोध करेंगे? आपको पसंद है जो वो आप पूछते हैं, आपको जिस पर आस्था है उसको आप मानते हैं, तो हमको उस पर क्या विरोध है? हम क्यों विरोध का विरोध नहीं करना चाहिए? यही तो भारतवर्ष की खूबसूरती है। लेकिन एक बात तो आपसे जरूर लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या अलग आदिवासियों के अलग धर्म को लेकर जो मांग चल रही है, धर्म कोड को लेकर जनगणना में, उसके आप समर्थक है कि नहीं? आप मांग करते हैं कि नहीं? पहली बात तो मैं करूँ कि मैं किसी के कोई विरोधी नहीं है। नहीं, आप समर्थक नहीं है? नहीं, हमारे कहा हम विरोधी नहीं है, तो फिर उसमें क्या है? हम विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई आप मांग करिए और सरकार देती है तो अच्छी बात है। अच्छा, हमको अपने बारे में कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ कि भाई आप तो आप देखेंगे मेरा जो कलम जान लिखा हुआ है पिछले संसद में भी, तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से हिंदू लिखा हुआ है। हाँ, सनातनी हिंदू लिखा हुआ है, तो उसमें कहीं आप छुपा, आज के तारीख में तो आप कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं कि इसलिए हम बोले कि हम कुछ बोल रहे हैं बाकी बोल रहे हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? तो आपसे ये लगता है कि आप, और उसमें भी मैं लोगों के एक बात और कहता हूँ, क्योंकि हमें इस बात को समझना, अगर जिस मैथोलॉजी पर जैसे ईसाई है, जिस मैथोलॉजी पर सिख है, बुद्ध है, जैन है, मुसलमान है, अगर हम उस मैथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हम संथाल हैं, तो संथाल भी अपने आप में एक संप्रदाय है। अच्छा, उसको रिलीजन्स के रूप में, उसको धर्म के रूप में, लेकिन चूंकि धर्म को लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया, अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई ईसाई भी कोई धर्म नहीं, एक संप्रदाय है, मुसलमान भी कोई धर्म नहीं, एक संप्रदाय, एक पंथ है, क्योंकि किसी एक अवतार लिए या फरिश्ता जिसको जो कहे कि मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, तो उनके जो अनुयायी हुए वो ईसा हुए, बुद्ध के अनुयायी हुए बुद्ध हो गए, तो आप क्या, लेकिन जो सनातनी होता है वो कोई नहीं कह सकता है कि राम के अनुयायी ही सनातनी है, कृष्ण के अनुयायी सनातनी है, संतार के अनुयायी, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, आपको क्रिश्चियन बनने के लिए सब बपतिस्मा करना पड़ता है, मुस्लिम बनने के लिए सुन्नत करना पड़ता है, बाकी और कुछ करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई हिंदू बनने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है एकदम, तो अपने आप को
तो हमें लगता है कि भाई सबसे करीब तो यहीं पर है, सबसे करीब यही है, करीब ही नहीं बल्कि हम बोले कि सनातनी है कि जो कि यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, नहीं तो बाकी जगह तो आपको ये करना पड़ेगा तभी आपको मानेगा। ये माइथोलॉजी की बात है और ये धर्म की बात है। इसलिए हमने कहा कि माइथोलॉजी, जैसे हमने कहा कि ईसाई को, जो ईसा मसीह को मानता हो, बाइबल को मानता है, चर्च जाता है, तो इस सारे कुछ चीजों को जो उसके नियम है उसको मानता है तो उसको ईसाई कहते हैं। जो कुरान को मानते हैं, पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत है वगैरह जो भी उनके पास व्यवस्था उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम कहते हैं कि भाई हम संथाल हैं, हम अपने आप को पिलचो बूढ़े पिलचो हड़ाम के हम संतान मानते हैं। हमारे जो इष्ट देव है मारांग गुरु है, हमारे इष्ट देव है जाहिर आयो है, हमारे इष्ट देव है क्या बोलते हैं मोड़े को तुरुई को है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं संथाल में पंचदेव और शीख देव, तो मोड़े को तुरुई को है। हमारा जो पूजा स्थल है गाँव में मांझी थान है, गाँव से बाल जाहिर थान है, यानी जिस प्रकार से ईसाई मुसलमान जैन बौद्ध सिख का जो एक मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी पर जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि भाई संथाल भी एक संप्रदाय है, संथाल भी एक पंथ है। सही, तब तो फिर देश में जितनी भी जाति है सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ इसी टाइप के एक पंथ बनेगा। हर लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग इसके संतान है, इसके पूर्वज हैं, तो है। ये मैंने कहा कि इसलिए ये बातें समझना पड़ेगा इसको। ये बहस का मुद्दा है, ये वाकई बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पर, लेकिन अभी हम जो मेरा सवाल एक है, दो सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पहला सवाल तो ये है कि आप भाजपा में और विपक्ष के नेता हैं भाजपा की ओर से झारखंड में, एक पहले से आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी शख्सियत के बारे में लोग जानते हैं, जाहिर है कि आदिवासियों को आपसे अपेक्षा होनी चाहिए क्योंकि आप आदिवासी नेता के रूप में भी आपकी एक पहचान रही है, तो आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इस दिशा में अलग धर्म कोड की दिशा में आप अपनी सरकार जो केंद्र में है उसकी उसके पास जाकर कोई प्रयास कर रहे हैं या करेंगे? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा, चूंकि हमने कई दफा फॉर्मल रूप से हमने सबों से बात करते रहते हैं, नेता से भी बात करते हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से भी बात करते हैं, और आज तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार जब नहीं थे तब भी मैं लोगों से बात करता था, तो यही बातें आती थी कि भाई देश के अंदर में जब 10.5 करोड़ की आबादी है और कुछ एक लोगों की कुछ मांग है, कुछ एक लोगों की पूछ मांग है, तो फिर ये आखिर कहाँ तक जाएगी? अगर 10.5 करोड़ सबके सब कोई कहते हैं, और उसमें भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जो पूरे देश की आबादी जैसे भील है सबसे बड़ी आबादी है, 2 करोड़ से अधिक है, उसके बाद गौड़ है वो सबसे दूसरे नंबर की आबादी है, उनकी आबादी 1.5 करोड़ से करीब अधिक है, उसके बाद संथाल की आबादी होती है लगभग 1 करोड़ से भी कम है, उसके बाद बाकी की आबादी। अब जैसे जो सरना की जो मांग है वो मुख्यतः झारखंड, जो 50 लाख लोगों ने पिछले दफा लिखाया है तो झारखंड से वो 40 लाख लोगों की है, 10 लाख जो सरना लोग लिखे हैं थोड़ी छत्तीसगढ़ है, थोड़ी उड़ीसा है और थोड़ी सी बंगाल है, बंगाल है। अब इसको हम सारे आदिवासियों की हम मान लें तो फिर बाकी दो वहाँ वो लोग गौड़ अपने मांग करते हैं कि भाई हमको गौड़ मिलना चाहिए, हमको भील की अलग वो कहते हैं हमको अलग मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जब तक ये जो समूह है पूरी की पूरी देश की आबादी का जब एक मत से कोई चीज नहीं बोलते हैं तो उस पर सबके लिए कोई चीज थोप नहीं सकती है और सरकार को थोपनी भी नहीं चाहिए। और इसीलिए पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी लोकसभा वगैरह में एक दफा क्वेश्चन प्रश्न वगैरह हुआ है और सरकार ने जो लिखित जवाब दिया आज भी वो दस्तावेज सामने उपलब्ध है कि भाई आखिर उन्होंने क्यों क्या कठिनाई था या बाकी और सारे लोग मांग करते। इसलिए हमने कहा कि विरोधी हम नहीं है, ये हमने कहा कि जहाँ सरकार को जब करना होता है तो उनके लिए कई सारी चीजों को देखना होता है कि भाई हम किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी को हम थोप रहे हैं किसी के ऊपर जबरदस्ती। तो आपका कहना है ये है आप विरोधी नहीं है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी आपके सामने देश के कई और ग्रुप जो है समूह हैं आदिवासी समूह उनकी मांगे भी हैं
उन सब को आप समेटते हुए आप कुछ आगे बढ़ेंगे इस पर? पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई धर्म मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो राजनीति है। अच्छा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिक मामला निहायत व्यक्तिगत मामला है। सब में आप जिसे पसंद है, जिसे उपासना करते हैं वो करें, हमें क्या दिक्कत है। आप मांग करते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है इस सब में। लेकिन धर्म हमसे जहाँ बंद पड़ेगा तो हम तो बोले ना कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी मैं बात करते रहता था लोगों से। आप पूछेंगे रामेश्वर राव भी उस समय भारत सरकार मंत्री थे, उस समय भी उनसे भी मैंने कई दफा इन सब चीजों में चर्चा की कि भाई आपकी सरकार आप तो कुछ करे। आज भी बीजेपी की सरकार है तो वहाँ भी लीडर लोगों से मैं बात करता हूँ, लेकिन देश भर की जो समस्या है तो देश भर की आपको समझना पड़ेगा ना, कि हम कोई एक कोने में कुछ हम चिल्लाएं और कहें कि नहीं नहीं यही होना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए तो ठीक है एक कोना में जो रहता है, लेकिन जिन्हें पूरे देश देखना पड़ता है उनके लिए तो पूरे देश देखेंगे ना। अच्छा, इसलिए आपको लगता है कि उस दिशा में आपकी ओर से अतिरिक्त पहल की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो फैसला ले, जो उस काम के लिए जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को लगे रहना चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। उनको तो कभी हमने नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, मैं तो ये कहता भी नहीं हूँ तो भाई आप जो कर रहे हैं आप काम करिए, आगे बढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अभी जो सालखन मुर्मू के समर्थक लोग आपका आपके पुत्रों का दहन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब लोग थोड़ा गुस्साते हैं तो मुझे लगता है देर सवेर वो लोग भी समझ जाएंगे विषय को। अच्छा, क्योंकि हम कोई अपनी ओर से मैं बनावटी में नहीं बोलता हूँ, मैं तो वही बात बोलता हूँ, हकीकत में बोलता हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि भाई हमने तो ये कहा ना कि भाई हमने कहा कि भाई आदिवासी हिंदू हैं ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ कभी देश में जो इतनी बड़ी आबादी है उसमें से आप देखेंगे अधिकांश लोग अपने आप को हिंदू ही दिखते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई देश भर में जो इतनी सारी जो जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजाति की सूची में है, आदिवासी जिसको कहते हैं वो सूची में जो सूचीबद्ध है, सबकी अपनी अपनी उपासना पद है। आप किसी चीज को सबके ऊपर आप थोप नहीं सकते। और फिर आप आइए झारखंड में ही आइए तो हम झारखंड में भी कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, कोई संथाल ईसाई बन गए, कोई मुंडा ईसाई बन गए कोई उराव बन गए, लेकिन आप क्या सलखान उन लोगों से क्या बात करेंगे कि भाई जो लोग ईसाई बन गए और वो अपने आप को आज भी वो संथाल कहते हैं, जबकि संथाल की जो विश्वास है, संथाल की जो मान्यताएं हैं एक संथाल होने की, वो सारे परंपरा को छोड़ दिया, तो क्या सलखान उन लोगों से बात करें? हम तो कहते हैं हम तो खाटी संथाल थे, संथालों के सारे विश्वासों पर हम काम करते हैं, हर कुछ। हम जाहिर थान में भी जाके पूजा करते हैं, मंजी थान में भी जाके पूजा करते हैं, हम अपना इष्ट देव को पिलचो हड़म पिलचो बुढ़े माय राम गुरु जाहिर एरा मोड़े को तुरुए को सब ये मानते हैं, पूछते हैं, इस पर हमारी आस्था है। लेकिन क्या सलखन मुर्मू जी जिन लोगों ने इन सारे लोगों की आस्था को समाप्त करके कोई दूसरी आस्था और विश्वास अपने ऊपर लिया है, उन लोगों से इस प्रकार के सवाल वो कर पाएंगे? जो लोग बोलते हैं जिन्होंने संथाल की सारे विश्वास को, मुंडा की सारे विश्वास को, उराव की सारे मान्यताओं को समाप्त करके और आज भी वो अपने आप को संथाल कहते हैं, आज भी अपने आप को मुंडा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर उनको हमारी हिंदू कहने से इतनी मिर्ची लगी है, जबकि हमने तो कहा कि भाई हमने तो ना जाहिर आयोग को छोड़ा है, ना जाहिर थान को छोड़ा है, ना मारांग बोरु को छोड़ा है, ना मोड़े को तुरुई को हमने नहीं छोड़ा है, हमने तो इतना ही कहा कि जो कि हिंदू कोई एक उपासना पद्धति का नाम नहीं है, हिंदू बनने के लिए कोई 32वां या कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सुन्नत नहीं करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि सालखन मुर्मू ने उन सब मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे पुतला दहन कर रहे हैं हमारे ऊपर वो कहते हैं हम कोर्ट में केस करेंगे, तो हमने कहा कि जो संथाल के विश्वास को छोड़ दिया जिन्होंने, सालखन मुर्मू पर आरोप नहीं, उनके ऊपर नहीं आरोप लगा, जिन लोगों ने छोड़ दिया, अच्छा जिन लोगों ने छोड़ दिया, जिन लोगों ने संथाल के विश्वास को छोड़ दिया, मुंडा के विश्वास को छोड़ दिया, उरांवों के विश्वास को छोड़ दिया, क्या उन लोगों से ये सवाल जवाब करेंगे सलखान और उन लोगों के ऊपर केस करेंगे क्या?
सलखान जी को ये बताना चाहिए। आज भी कई एक संथाल परिवार में से लोग ईसाई बन गए हैं, मुंडा परिवार में से ईसाई बन गए हैं, उराव परिवार में से ईसाई। उन लोग तो संथाल मुंडा उराव के जितनी भी परंपराएं उसको तो सब छोड़ दिया। क्या सलखान मुर्मू उन लोगों से इन सवालों को पूछेंगे? उन लोगों के ऊपर क्या कोर्ट में केस करेंगे क्या? उन लोगों की पुतला दहन करेंगे क्या? नहीं, तब तो हम उनकी बहादुरी को हम समझेंगे कि वास्तव में सलखान इस देश के आदिवासियों की परंपरा की रक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए भी हमें लगता है कि ये बाबूलाल मरांडी के पुतला दहन की बात इसलिए उनके जहन में आई होगी क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक प्रोमिनेंट व्यक्तित्व हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज विपक्ष के नेता हैं। तो उस लिहाज से बाबूलाल मरांडी एक आदर्श पुरुष के तौर पर समाज में स्थापित हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मानना होता है अक्सर लोगों का ऐसे मुद्दों पर। नहीं, किसी आम आदमी से तो नहीं जोड़ेगा। इसीलिए मैं कहा तो आप अगर उसको नाम आप सुझाइए वैसे लोगों नाम का, वो जानते हैं खुद। नहीं नहीं, जानते हम तो क्लियर बोले कि हम बोले कि जिन्होंने ना संथाली विश्वास को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी माना, ऐसी कोई पर्सनैलिटी बताइए। पर्सनैलिटी क्या, बहुत सारे हैं। आपका विधायक है, सांसद भी है, बड़े बड़े अफसर भी है। नहीं, बड़े नाम, अरे नाम क्या बताना भाई। हम बोले कि उन लोगों से जाके पूछे ना, हम कहे को उनके नाम बोलेंगे, उनको जानते हैं वो। अच्छा, उनको पूछिएगा कि भाई, तब तो हम समझेंगे कि वास्तव में कि वो तो आप नाम क्या बोलते हैं कि आदिवासियों की धर्म संस्कृति और बाकी मतलब वो ऐसे पर्सन की समाज में है, आदिवासी समाज में बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए इन लोगों को, आपका ऐसा मानना है? अरे हमारा एक मानना है कि वो हमने ये कहा कि भाई हम हिंदू हैं और आदिवासी हिंदू है, तो उनको बड़ा मिर्ची लग गई, तो हमें हमको बड़ी आश्चर्य लगा। हमको लगा कि भाई हम तो हिंदू कह रहे हैं लेकिन हम तो कह रहे हैं कि खाटी संथाल है, संथालों की हमारी विश्वास है, उसको हम मानते हैं। हमारी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक एक संस्कार को हम संथालों की हम मानते हैं। लेकिन आज फॉलो करते हैं, सही। आज भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये सारी चीजों को नहीं मानता है, लेकिन तब भी अपने को वो संथाल कहता है। तो हम कह रहे कि भाई सलखान क्या उन लोगों से ये सवाल कर पाएंगे? वो हिम्मत है उनके पास? नहीं, वही एक बात बात उठती है ना। मैं तो वही चाहता हूँ कि वो नाम आप कुछ लीजिए ना, कुछ नाम बताइए। खुद बोलेगा ना आप, नहीं आप बताइए कि ऐसे लोग हैं कोई शख्सियत बताइए। कह रहे कि यहाँ तो भरे हुए हैं ना, अब जितना टोपो वगैरह देखेंगे, जो पर्सनैलिटी जो सोसाइटी में मायने रखता हो, जो प्रभावित करता हो कहीं पर आदिवासी सोसाइटी के धारणा को। नहीं, नहीं, हम कह रहे कि यहीं पर कई एक लोग आपको विधानसभा में कई एक विधायक हैं। नाम आप नहीं हम काहे को नाम लेंगे भाई, हमको क्या मतलब है? उनको ही करना चाहिए। नहीं, उनको तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ये आपने एक सुझाव दिया है, आप सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग इस पर बात, चूंकि ये बहस बहुत लंबी जा सकती है, हम भी चाहते हैं कि अगर वो बहस किया है तो फिर उसको कंक्लूजन तक उसको पहुंचावे, हम भी चाहते हैं। तो कंक्लूड करिए ना, इसको कैसे है, इसको इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? नहीं, उनको बताना क्या लगता है। नहीं, हम अगर आपके पास में ये लोग, हमारा तो बार बार मैं लोगों से कहता हूँ कि आप जिस विश्वास को मानते हैं उसकी आप मांग करिए, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं। ठीक है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं साहब, आदिवासी आज भी अधिकांश लोग हिंदू लिखते हैं, हमने ये कहा, हम भी खुद लिखते हैं, हमने ये कहा। तो आपको ये लगता है कि अभी अलग धर्म कोड की मांग निरर्थक है? नहीं, मैं निरर्थक कभी भी नहीं कहा, हम आज भी नहीं कहूंगा। हमने कहा कि देश में आज भी अगर कर्नाटक वगैरह जाएंगे वहां भी बड़ी आबादी है जो अपने आप को लिंगायत मानते हैं। नहीं, तो उनकी भावना को कद्र करते हुए आप, मैं उनकी भावना कद्र करता हूं, कहते हैं आप उसकी डिमांड करिए लेकिन दूसरों का विरोध मत करिए। अगर आप दूसरों का विरोध करते हैं तो फिर आप सारे विरोध करने के लिए आप तैयार रहिए, सबके जवाब आप देने के लिए तैयार रहिए। बहरहाल एक तो इस पर विवाद तो बहुत है, अभी हम लोग भी जानते हैं कि आदिवासी अलग धर्म को लेकर ही कई नाम को लेकर कई विवाद है, सर ना हो। हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। मांग के जो हर लोगों के अच्छी बात पसंद है भाई, हम कह रहे हैं कल होकर हम संथाल भी मांग सकते हैं ना, हम जो बोले जिस नहीं, वो तो आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भी तस्वीरें देखी गई हैं, लोगों ने देखी हैं, वो मीडिया में रहती है कि वो थाल लेकर पूजा करते हैं हिंदू पद्धति, तो वो तो होता ही है, ये है भी और बहुत सारी चीजें हैं।